इन केस ऑफ जीनर जो सुबह बात हुई थी, सुबह हमारी क्या बात हुई थी, सुबह बात हुई थी हमारी कि यहाँ पे दो तरीके का ब्रेकडाउन होता है। मैं थियोरी बहुत डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपको थियोरी का बहुत ज्यादा काम यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये स्पेशल डायोड है हमारा, तो अगर ये स्पेशल डायोड की बात करेंगे इन केस ऑफ दी ये जीनर, तो सबसे पहला चीज क्या आएगा कि इन केस ऑफ दिस आई मीन से इन केस ऑफ दिस स्पेशल डायोड, इन केस ऑफ दिस स्पेशल डायोड वी हैव टू मैकेनिज्म्स। आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे जो दो अलग अलग मैकेनिज्म है वो क्या है, अदरवाइज आपको डिटेल में तो जो क्वेश्चन कराऊंगा ना वो होगा आपका एनालॉग सर्किट के अंदर। इट इज नॉट पार्ट ऑफ डिवाइसेस, मगर फिर भी मैं आपको यहाँ ही कवर करके दूंगा सो दैट अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है इन डिवाइसेस तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं विद स्पेशल डायोड, उसमें सबसे पहला बात कर रहे हैं आज जो बात करेंगे रिगार्डिंग जीनर डायोड। तो जीनर के अंदर हमारे पास हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। अगर हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ जीनर डायोड, सो वी हैव टू मैकेनिज्म्स ओवर हियर। कौन कौन से दो मैकेनिज्म है, हमारी सुबह बात हुई थी, जो पहला मैकेनिज्म है वो है हमारा से खुद से आई मीन से जीनर ब्रेकडाउन, एक जो है वो है खुद से जीनर ब्रेकडाउन, और एक जो है वो है आपका एवलांच ब्रेकडाउन। ये दो तरीके का यहाँ पे बाइफर्गेशन पड़ता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दोनों के लिए फटाफट से डिस्कस करेंगे और सीधा क्वेश्चंस करेंगे इसका, और एक होता है एवलांच। थोड़ा बहुत कुछ बात पता है आपको इसके बारे में कि क्या होता है एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन क्या फर्क होता है? थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है आपको कि इन दोनों में क्या फर्क रहेगा? मेनली डोपिंग का ही फर्क है। हाँ, I think अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहला जो मैकेनिज्म है हमारे पास, तो अगर मैं पहला मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास जीनर मैकेनिज्म है। तो अगर हम जीनर की बात करेंगे तो मैंने सुबह बताया आपको, सुबह क्या होगा कि अगर मैं जीनर की बात करूंगा तो उसमें क्या होगा, डोपिंग बहुत ज्यादा होगा, डोपिंग बहुत ज्यादा होगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज मेरे पास एक सिंपल डायोड है, तो इन केस ऑफ सिंपल डायोड व्हाट वी नो, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सिंपल डायोड का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एनर्जी बैंड डायग्राम, तो मुझे ये बताओ कि अगर सिंपल डायोड है डोपिंग ज्यादा है तो वहां पर डेप्लेशन विड्थ काफी कम होगा। अगर हम सिंपल डायोड की बात कर रहे हैं, सिंपल डायोड के अंदर हाँ डोपिंग ज्यादा है, तो व्हाट डू यू थिंक, चलो मैं क्या करता हूँ, हमने क्या किया था जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने किया था कि ये हमारा आई मीन से इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है, तो ये मेरा इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है EFI। मुझे ये बताओ जब हम बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम का, तो एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर एक सीधी लाइन में कौन होता है, ये स्ट्रेट लाइन व्हाट डू यू थिंक किसका होगा, ये स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली ये फर्मी लेवल का होगा, और ये जो पूरा मटेरियल का फर्मी लेवल है वो होगा, राइट। अगर मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे सपोज हमारे पास है, यहां पे हमारे पास ये पी मटेरियल है और ये हमारे पास एन मटेरियल है, बीच में जंक्शन है कहीं ना कहीं, तो मुझे ये बताओ कि एन के अंदर नजदीक कौन होगा, जो एन है तो एन के अंदर नजदीक कौन होगा, एग्जैक्टली एन के अंदर नजदीक कौन होगा, एन के अंदर नजदीक होगा हमारा से सीबी। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि अरे अभी पेन क्यों चिपक रहा है, तो अगर हम बात करेंगे इसके अंदर, हाँ यहाँ पे होगा नजदीक में हमारा कंडक्शन बैंड हो जाएगा, ये काफी नजदीक होगा फर्मी लेवल का। और अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ से दस पी टाइप मटेरियल, यहाँ पे आपका जो वैलेंसी बैंड है वो नजदीक होगा। और अगर हम बात करें कि ये जो दोनों मटेरियल है यहाँ पे डोपिंग बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हमने डोपिंग काफी ज्यादा किया है, तो अगर हम डोपिंग की बात कर रहे हैं तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा है वो पी प्लस है, ये भी हमारा एन प्लस है, डेप्लेशन विड्थ बहुत ही कम होगा, और यहाँ पे इसका ऊपर हो जाएगा तो आईएमएस से थोड़ा ऊपर यहाँ पे ये बनेगा उसका से कंडक्शन बैंड इन अ पी मटेरियल, और साथ में यहाँ हो जाएगा इसके नीचे ये बनेगा उसका वैलेंसी बैंड, राइट। ये पूरा हमको मालूम है, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, राइट। तो अगर हम यहाँ पे इसके बारे में आगे बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमें क्या क्या पता है, तो इवन व्हाट डू वी नो ओवर हियर कि ये हमारा मटेरियल का फर्मी लेवल है, फिर आपका ईसी हो जाएगा, ईवी हो जाएगा, ये सब मालूम है आपको। अब क्या होगा यहाँ पे कि आपका ये देयर वुड बी सम झुकाव ऑफ बैंड, राइट, ऐसा कुछ हमने
देखा हुआ था, ऑलरेडी वी हैव सीन दिस। यहाँ आपका आई मीन ये यहाँ आपका इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक फर्मी लेवल भी होगा, EFI भी होगा, यहाँ भी आपका EFI होगा, और यहाँ पे भी ये सब बैंड्स आपके झुकने वाले हैं। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये जो था, ये जो हमारा रिलेटिव शिफ्ट था, ये जो हमारा रिलेटिव शिफ्ट था, ये किसके बराबर था? ये जो रिलेटिव शिफ्ट था ये किसके बराबर था? क्या हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे तब? ये जो रिलेटिव शिफ्ट होता है ये किसके बराबर होता है? एग्जैक्टली जो पूरा पूरा जो डिफरेंस है ये होता है आपका, जो बिल्ट इन पोटेंशियल होगा आपका वो क्यू वीबीआई के बराबर होगा, राइट? तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, अगर डोपिंग ज्यादा है, अगर डोपिंग ज्यादा है तो क्या क्या होगा? डोपिंग ज्यादा है तो क्या क्या होगा? सबसे पहली बात कि जो उसका बिल्ट इन पोटेंशियल है तो वो क्या होगा? जो बिल्ट इन पोटेंशियल है वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा, वीबीआई ज्यादा होगा। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं कि सपोज डेप्लेशन विड्थ है, डेप्लेशन विड्थ क्या होगा? डेप्लेशन विड्थ इसका कम होगा, राइट? यहां पे अब क्या हो रहा है कि अगर मैं यहां पे रिवर्स बायस प्रोवाइड कर रहा हूं, लाइक सपोज हमने यहां पे रिवर्स बायस प्रोवाइड किया, तो इसकी वजह से क्या होगा? यहां पे डेप्लेशन विड्थ बहुत ही कम है, सो अगर मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं डेप्लेशन विड्थ, तो यहां पे एकदम छोटू सा ये जो लेयर दिख रहा है आपको, ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ये बहुत ही छोटा है। ये जो डेप्लेशन विड्थ है आपका ये बहुत ही कम है बिकॉज ऑफ वेरी हाई डोपिंग। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन वो है कि जैसे ही आप यहां रिवर्स बायस करोगे, तो मुझे बताओ जब आप रिवर्स बायस करोगे, सो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन? जो ड्रॉप अक्रॉस डायोड है, जो ड्रॉप अक्रॉस डायोड है, अब वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हाँ बहुत सही, अब वो क्या हो जाएगा? सो आई में से वो हो जाएगा वीबीआई प्लस वीआर, बोलिए हाँ कि ना? आपका जो ड्रॉप अक्रॉस डायोड है वो हो जाएगा आपका वीबीआई प्लस वीआर हो जाएगा, यानी कि ड्रॉप बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये जो बैंड है ना, ये बैंड्स और झुकेंगे। तो अगर मैं ये बैंड्स को यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वोल्टेज बढ़ रहा है, तो जो शिफ्ट होगा वो शिफ्ट भी बढ़ेगा। तो क्या होगा अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द बैंड डायग्राम? तो इन केस ऑफ बैंड डायग्राम, ये हमारा मिडवे है, इसके बाद हमारा ऊपर हो जाएगा यहाँ पे कंडक्शन बैंड, ये हो जाएगा कंडक्शन बैंड। लाइक अभी क्या होगा अगर मैं बैंडिंग की बात कर रहा हूं, तो आई व्हाट आई मीन इज कि ये जो बैंड्स है वो काफी झुक जा एकदम एकदम नजदीक आ जाएगा कंडक्शन बैंड, और इवन इवन इट मे हैपन कि ये क्रॉस कर रहा है, इवन इट मे हैपन कि ये क्रॉस कर रहा है, यानी कंडक्शन बैंड नीचे उतर गया यहाँ पे, और ये जो आपका वैलेंसी बैंड है यहाँ पे ऊपर चला गया। इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। हमने रिवर्स बायस प्रोवाइड किया है, अब रिवर्स बायस प्रोवाइड किया है, इसकी वजह से क्या होगा? अभी भी मैं बोल रहा हूं कि इसका और डिटेल में जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे इतना कुछ आपको कोई नहीं पूछने वाला है कि यहाँ पे एक्चुअल में अंदर क्या हो रहा है। बट व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर कि अगर मैं बात कर रहा हूँ जीनर ब्रेकडाउन हो रहा है, सो इन केस ऑफ जीनर ब्रेकडाउन अल्टीमेटली थ्योरी क्या बोलता है? अल्टीमेटली थ्योरी ये बोलता है कि वहां पे टनलिंग होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ टनलिंग का, सो इन केस ऑफ टनलिंग क्या होता है? अगर मैं बात करता हूँ टनलिंग का, सो उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ टनलिंग का, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि अगर हम रिवर्स बायस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रिवर्स बायस प्रोवाइड करने की वजह से ये जो बैंड्स हैं, ये बैंड्स और झुकेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड और स्ट्रांग होगा। Which means what is going to happen? ये जो बैंड्स होंगे वे बैंड्स और झुकेंगे, तो उसकी वजह से क्या होने वाला है कि अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या है? अगर आपको मैं ये इसको ऐसा कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं ऐसा कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइक एनर्जी बैंड डायग्राम जो है वो ऐसे कुछ बन जाएंगे, दे वुड बी समथिंग लाइक दिस। वो क्रॉस करेंगे जो फर्मी लेवल है, और ये क्रॉस कर गया, और उसके बाद जो बाकी लेयर्स हैं वो तो आपके जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो ये आपका आई मीन कंडक्शन बैंडेज हो गया, और यहाँ पे इसके नीचे हो जाएगा आपका वैलेंसी बैंडेज, और फिर इसको हम ये पूरा जोड़ देंगे, ये पूरा ऐसा क्रॉस क्रॉस हो जाएगा पूरा,
इन केस ऑफ स्पेशल डायोड, और देन इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये पूरा एनर्जी बैंड डायग्राम होगा इन केस ऑफ जीनर डायोड जब हम उसको रिवर्स बायस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब मुझे ये बताओ यहाँ पे ये कौन है पूरा, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ये पूरा बैंडेज बैंडेज है, ये पूरा बैंडेज है। हाँ तो बताओ ये बैंड और ये बैंड क्या है, बीच में जो डेप्लेशन रीजन ही है वो तो छोड़ दो, ये कौन है यहाँ पे, ये पूरा रीजन यहाँ पे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन सा बैंड बैंड है, ये इस साइड पे ये कौन सा बैंड है, ये क्या लगता है आपको ये कौन है? हेलो ये कौन है, ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, ये कौन है? एग्जैक्टली ये कौन है आपका, ये आपका कंडक्शन बैंड है। और मुझे ये बताओ नीचे कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है भाई? हाँ ये आपका वैलेंस बैंड है राइट। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे डेप्लेशन विड्थ तो ऑलरेडी कम है, यहाँ डेप्लेशन विड्थ तो ऑलरेडी कम है, हाँ, और जो रिवर्स बायस हमने प्रोवाइड किया है वो भी अभी कम ही प्रोवाइड किया है, हमने जो अभी रिवर्स बायस प्रोवाइड किया है वो भी कम ही प्रोवाइड किया है। कम यानी कि आई मे से जो रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया है इट इज लेस देन 5 वोल्ट। अब मुझे ये बताओ अगर डोपिंग बहुत ज्यादा है, अगर डोपिंग बहुत ज्यादा है तो इवन जो इंक्रीमेंट होगा इन डेप्लेशन विड्थ वो क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? अगर हम बात कर रहे हैं कि सपोज ये जो हमारा डोपिंग की बात कर रहे हैं, डोपिंग बहुत ज्यादा है, डोपिंग बहुत ज्यादा होगा, और इन इन दैट केस एग्जैक्टली इवन अगर हम डोपिंग की बात भी कर रहे हैं, अगर हम डोपिंग भी कम कर रहे हैं सो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, डोपिंग ज्यादा कर रहे हैं सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जो डेप्लेशन विड्थ का बढ़ना भी है वो भी कम होगा। क्या ये समझ पा रहे हो आप जो मैं बोल रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो? डोपिंग बहुत ज्यादा है तो इससे क्या होगा, एक तो आपका जो डेप्लेशन विड्थ बढ़ेगा उसका वो बढ़ना भी कम होगा कंपेयर टू नॉर्मल डायोड, और आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है वो भी मैंने बोला कि 5 वोल्ट से कम है। तो अब क्या होगा, कंडक्शन बैंड में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या कंडक्शन बैंड में बहुत सारी वैकेंसी है? व्हाट डू यू थिंक, कंडक्शन बैंड में बहुत सारी वैकेंसीज हैं या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं? पक्का पक्का कंडक्शन बैंड में बहुत सारी जगह खाली होती है या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अगर आप जगह की बात करोगे मुझे ये बताओ लाइक बहुत सारी जगह खाली कहाँ पे होगी? ओके मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो वैलेंस बैंड है, जो वैलेंस बैंड में वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोलिए हाँ कि ना, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये जो है वो सभी, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं बराबर, वैलेंस बैंड में होल्स भी होंगे मगर हाँ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंडक्शन बैंड में आपका जो कंडक्शन बैंड है वो कंडक्शन बैंड के अंदर यहाँ पे आपकी जगह खाली भी होगी, खाली स्टेट्स भी होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि सभी भरे हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था कि क्या होगा आपका कंटिन्यूअस, ये आपका क्या होता रहेगा, आपका जो चार्ज है वो भी आपका कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जिंदा होता है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब अगर डेफिनेटली उनको अगर यहाँ से जाना है इसका कंडक्शन बैंड में उनको इतना एनर्जी चाहिए, बट नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि अगर यहाँ पे ये टनलिंग है यानी कि ये क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ से वो टनल होके इस साइड आएंगे, ये टनलिंग प्रोसेस है, इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका वैलेंस बैंड में से सीधा कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे थ्रू दिस टनलिंग, यहाँ टनल बनेगा। ये बना क्यों, ये क्वांटम टनलिंग है, और ये बना क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे और यहाँ पे खाली जगह है, और ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना ये बहुत कम है। क्या आप ये फॉलो कर रहे हो कि ये हुआ क्यों? और जो आप रिवर्स बायस की बात करोगे तो रिवर्स बायस में क्या होगा, ये आपका पी है, ये आपका एन है, आप कनेक्ट क्या करोगे, यहां माइनस कनेक्ट करोगे और यहां प्लस कनेक्ट करोगे, तो इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी भी क्या होगा, वो इस तरफ खींचा चला आएगा, बोलिए हाँ कि ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इस तरफ खींचा चला आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पे आप रिवर्स बायसिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे टनलिंग होगा
और ये टनलिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए? भैया कुछ नहीं होना चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का लेयर है वो और जो खाली कंडक्शन बैंड का लेयर है उन दोनों का ऐसे क्रॉस होना चाहिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए, तब जाके ये टनलिंग होगा। अब ये हमने कैसे किया? हमने किया बाय इंक्रीजिंग डोपिंग, बराबर है। मगर मैं बताता हूं ना आपको, ये वर्किंग आपको कोई नहीं पूछेगा, ये कहीं पे भी यूज नहीं होता है या कोई पूछता भी नहीं है आपको। इसका जो यूज है, एप्लीकेशन है, वो होता है इन एनालॉग सर्किट एज ए रेक्टिफायर, और उसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो मुझे इतना थोड़ा बता दो कि यहाँ पे जो आपको ऊपर ऊपर से वर्किंग समझ में आया, ऊपर ऊपर से, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत अंदर नहीं जाना है कि हाँ यहाँ ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, ऊपर ऊपर से थोड़ा समझ में आया कि अगर हम बात कर रहे हैं जेनर ब्रेकडाउन का, तो सबसे पहले इन केस ऑफ जेनर ब्रेकडाउन डोपिंग ज्यादा होगा, डोपिंग ज्यादा होगा, उसकी वजह से डेप्लेशन विड्थ बहुत कम होगा। जब हम रिवर्स बायस प्रोवाइड करेंगे तो डेप्लेशन विड्थ में इंक्रीमेंट बहुत कम आएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो वैलेंस बैंड है उसमें से इलेक्ट्रॉन टनल करेगा थ्रू डेप्लेशन रीजन और पहुंचेगा इन आपका कंडक्शन बैंड जो एन साइड में है। क्लियर है ये चीज? और इसका अपोजिट अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, थोड़ा बहुत क्लियर है ना, लाइक बहुत कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूं आपको, हमें एग्जाम्पल्स करने हैं और जो एग्जाम्पल्स करने हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो मैं बढ़ू आगे, मैं इतना कुछ नहीं करना है इसको, ये थियोरी को, लाइक यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ कि हाँ थियोरी क्या है, थोड़ा समझ में आया आपको कि कैसे काम कर रहा है? हाँ, तो क्या अगर मैं आपको वर्किंग डेफिनेटली कोई नहीं पूछेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ एवलेंस के बारे में, अब एवलेंस के अंदर क्या होगा, ये आपका सिंपल डायोड है, जो एवलेंस ब्रेकडाउन है ये सिंपल डायोड है, यहाँ पे डोपिंग इतना नहीं किया है, ये सिंपल डायोड है। मगर फिर भी अभी क्या होगा कि यहाँ पे सपोज क्या है, अगर यहाँ पे हम लेते हैं कि हमारा पूरा ये डायोड है, हमारा पूरा ये डायोड है और ये हमारा जंक्शन है, और ये हमारा पूरा जंक्शन है। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ ये से ये कौन है, एवलेंस ब्रेकडाउन में क्या होगा? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या लगता है आपको कि ये जो होगा वो लो वोल्टेज पे होगा या व्हाट डू यू थिंक, ये हाई वोल्टेज पे होगा? जो एवलेंसी ब्रेकडाउन है, जो एवलेंसी इफेक्ट है, वो क्या लगता है आपको, वो कम वोल्टेज पे होगा या ज्यादा वोल्टेज पे होगा? एग्जैक्टली, ये होगा आपका ज्यादा वोल्टेज पे। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सपोज हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास ये डेप्लेशन रीजन है, सपोज हमारे पास ये डेप्लेशन रीजन है, ये डेप्लेशन रीजन है, और हमें ये पता है कि ये हमारा सपोज ये पी है और ये एन है, और हमने यहाँ पे बायसिंग अप्लाई किया, राइट, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये नॉर्मल डायोड है, तो यहाँ पे डेप्लेशन विड्थ बढ़ेगा, बोला बराबर, ये डेप्लेशन विड्थ बढ़ेगा, यहाँ भी डेप्लेशन विड्थ बढ़ेगा, और ये बढ़ना काफी ज्यादा होगा कंपेयर टू नॉर्मल जेनर ब्रेकडाउन। अब क्या होगा, हमें यहाँ पे इतना अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करना है जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे कौन होगा, यहाँ अगर पी रीजन की बात कर रहे हैं तो पी रीजन में क्या होगा, आई थिंक नेगेटिव इमोबाइल आयंस होंगे, और एन में क्या होगा, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होंगे, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो आपका ट्रांजिशन रीजन है, ये जो डेप्लेशन रीजन है, ये डेप्लेशन रीजन के अंदर हमें इतना सारा इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करना है जिसकी वजह से इसके जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रप्चर हो, और जब वो रप्चर होंगे तब वो क्या करेंगे, वो ट्रांसमिट करेंगे, यानी कि वो यहां से यहां मूव करेंगे, और ये मूव करेंगे अंडर वेरी हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो उससे क्या होगा, इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा वो एक तो टूटा, उसने वो बॉन्ड से निकल गया, और वो निकला क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस किया, उसकी वजह से ये निकल गया, उसके पास बहुत ज्यादा आई मीन से काइनेटिक एनर्जी है, और वो क्या करेगा, यहाँ पे अगर कोई एक आध इलेक्ट्रॉन और है उसके साथ टकरा के उसको भी फ्री करेगा। अगर क्या होगा, दोनों जो है वो और दो को रिलीज करके वो एप्लीकेशन होता है, तो इफेक्ट ये होगा आपका
एवलेंस की मल्टीप्लीकेशन आपने सुना होगा, तो होगा कि एवलेंस एवलेंस की इफेक्ट का क्या होता है, सबसे पहले तो एवलेंस की मल्टीप्लीकेशन होगा और इसकी वजह से क्या होगा आपके डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप में डिस्टर्बेंस आ रहा है आप सबको, यानी कैसा डिस्टर्बेंस आ रहा है, ओके वॉइस ब्रेक हो रहा है, ओके ओके क्या सेम है, अभी भी सेम है आवाज या इंप्रूव है, अभी कोई दिक्कत नहीं है आवाज में? अच्छा अभी भी सेम है या इंप्रूव हुआ? अच्छा सेम ही है, ओके रुकिए रुकिए, ओके अभी बताइए अभी क्या इम्प्रूव है? हाँ ओके शायद पंखे की वजह से होगा, ओके ओके डन, ओके सो एवलेंसी ब्रेकडाउन में क्या होगा कि एवलेंसी ब्रेकडाउन के अंदर आपका एवलेंसी मल्टीप्लिकेशन होगा और एक इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा विथ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी वो बाकी सबको भी रप्चर करके अपने साथ लेके जाएगा। तो ये जो दोनों मैकेनिज्म है ना, हम मुझे क्या समझाना है आपको, मुझे समझाना है इसका जो ग्राफ है ना वो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझ में आना चाहिए कि अब क्या होगा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, नाउ इफ यू टॉक अबाउट से ये ब्रेकडाउन जीनर के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम बात करेंगे फॉर दी जीनर, तो एक तो क्या होगा उसके अंदर इफ यू गो फॉर उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक, इफ यू गो फॉर उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक, तो वहां पे फॉरवर्ड ब्रेकडाउन तो होगा ही होगा, अगर हम उसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो वहां पे उसका फॉरवर्ड ब्रेकडाउन तो होगा ही होगा। बट नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग आल्सो, आफ्टर सम वोल्टेज वी कैन हैव अ वेरी हाई करंट, वी कैन हैव अ वेरी हाई करंट। और यहाँ पे ये जो रीजन है जहां पे आपको अगेन बहुत सारा करंट मिलेगा, ये रीजन को बोलते हैं क्या, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। यानी कि अगर मैं ये रीजन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर दिस पॉइंट क्या होगा, फिर से बहुत सारा करंट फ्लो होगा, मैकेनिज्म माइट बी एनीथिंग, आपका मैकेनिज्म दोनों में से कोई भी हो सकता है, मगर यहाँ पे आपको रिवर्स में भी बहुत सारा करंट फ्लो करेगा। और ये जो करंट मिनिमम करंट है, यहाँ पे पैरामीटर्स को अभी ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं आईजेड मिनिमम। एनालॉग सर्किट के अंदर आपको ये सब पैरामीटर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए, आईजेड मिनिमम, या इसको बोलते हैं नी करंट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं नी करंट। क्यों इसको बोलते हैं नी करंट, क्योंकि आपको ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो दिखता होगा कि हमारा लेग जैसा है, हमारा जो पैर होता है वैसा ही है, और ये क्या है एल्बो, लाइक हमारा जो नी है ना, नी जैसा यहाँ पे शेप है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर जीनर को ऑन होना है तो उसके अंदर क्या चाहिए, उसमें उसको आईजेड मिनिमम फ्लो करना चाहिए। क्या ये बात से सहमत हो, अगर हमें हमारा जो जीनर है ब्रेकडाउन कोई भी हो उसके अंदर आईजेड मिनिमम करंट फ्लो होना चाहिए। अगर ये आईजेड मिनिमम फ्लो नहीं होगा तो आपका जीनर कंडक्ट नहीं करेगा। अगर आईजेड मिनिमम यानी कि यहां पे अगर करंट का यहां है, करंट इतना है, अगर करंट का वैल्यू इतना है तो वो भैया आपका ऑन नहीं होने वाला है। क्लियर है क्या ये चीज, आईजेड मिनिमम चाहिए ही चाहिए उसको ऑन होने के लिए, राइट? अब अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट समझाता हूं आपको, अगर मैं एक और पॉइंट यहाँ पे बोल रहा हूँ, सपोज मेरे पास एक और डायग्राम है, लाइक सपोज मेरे पास एक और यहाँ पे से डायग्राम है, एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो ऐसा कुछ है। तो हाँ अब मुझे ये बताओ कि
कि इन दोनों में से जीनर जीनर इफेक्ट वाला कौन सा है और एवलांची इफेक्ट वाला कौन सा है, क्या ये बता पाओगे आप? यहाँ पे हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि एक पर्पल कलर है और एक ब्लैक कलर है। यहाँ पे लिखता हूं कि ये वी वन है और सपोज ये वी टू है, तो बताइए। हाँ एग्जैक्टली, जो पर्पल कलर है वो कौन है? इट इज जीनर, ये जीनर इफेक्ट है। और जो ब्लैक कलर है वो क्या है आपका? वो एवलांची इफेक्ट है, बराबर, क्योंकि आपका जो वोल्टेज है वो ज्यादा रिक्वायरमेंट है, राइट? ओके, अब जो कुछ कुछ टर्म्स है ना वो देख लेते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा आपको कि ये है, ये आपका जीनर ब्रेकडाउन होगा, ये आपका जीनर ब्रेकडाउन होगा और ये होगा आपका एवलांची ब्रेकडाउन। नहीं 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 अभिषेक, एक ही डायोड में नहीं है, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, एक एक नहीं है बेटा, एक नहीं है, दोनों अलग अलग है ना? तो ये मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एवलांची ब्रेकडाउन है, राइट? तो हाँ, जस्ट फॉर कंपैरिजन, तो ये आपका जीनर है और ये एवलांची ब्रेकडाउन है और दोनों साथ में नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का डिफेक्ट होगा, डोपिंग ज्यादा है इसलिए जीनर वोल्टेज कम है। हाँ ईशा, क्योंकि अगर डोपिंग बहुत ज्यादा है तो वहां टनलिंग हो जाएगा, डोपिंग ज्यादा है इसलिए वहां पर टनलिंग हो जाएगा, बिकॉज डेप्लेशन रेट बहुत ही कम होगा, नॉर्मल डायोड में एवलांची होता है। हाँ पृथ्वीराज, हाँ, मगर हाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ अलग पैरामीटर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्या सबसे अच्छा आना चाहिए? सभी पैरामीटर्स। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला पैरामीटर। ओके, तो लाइक बात करते हैं सबसे पहला पैरामीटर, मगर ये क्यों अटक गया? ओके, तो सबसे पहले क्या होगा नॉर्मल डायोड में? ओके सर, दोनों का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगा। हाँ भूमि, भूमि कहाँ, अरे खूबी, जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग कैसे होगा? क्योंकि उनका जो वीबीआई है वो चेंज होगा ना, दोनों का वीबीआई सेम नहीं होगा, तो उनका जो कट इन वोल्टेज है फॉरवर्ड के अंदर वो भी अलग अलग होगा। बट जनरली जो आपको पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हाँ रिवर्स के अंदर दोनों का वोल्टेज अलग अलग होगा, जीनर में फॉरवर्ड वोल्टेज ज्यादा होगा। हाँ पृथ्वीराज, क्योंकि वहां पे वीबीआई ज्यादा होगा, डोपिंग ज्यादा है, तो वहां पे उसका कटिंग वोल्टेज ज्यादा होगा कंपेयर टू, मगर जीनर को फॉरवर्ड बायस की तरह यूज करोगे तो आप पागल हो। जीनर का जो मेन एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है एज ए रिवर्स बायस। क्यों? देखो रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, यहाँ यहाँ करंट तो बढ़ेगा, यहाँ अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो ये करंट तो यहाँ बढ़ेगा, मगर ये करंट तो धड़ 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 बढ़ेगा, मगर इसका जो वोल्टेज है ना उसके अक्रॉस वो कांस्टेंट रह रहा है। रिवर्स में सब करंट माइनॉरिटी है। हाँ हाँ अभिषेक, सब माइनॉरिटी है, शॉर्ट जैसा बिहेव करेगा रिवर्स बायस में, शॉर्ट जैसा नहीं, जीनर का मेन एप्लीकेशन है कि वो बिहेव करेगा एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। मैं सुबह आपको बता रहा था कि ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है पर माइनॉरिटी इतना प्रोवाइड कैसे करेगा। अभिषेक, बैटरी लगाया है ना, बैटरी है वहां पे, तो बैटरी वहां कुछ तो काम करेगा ना, ले तू तो ले, ऐसे कैसे, यानी बैटरी वहां कुछ नहीं करेगा, बैटरी है वहां पे, राइट? तो हाँ मैं कहा था, जो हमारा चार्जर होता है मोबाइल का चार्जर, उसके अंदर लास्ट स्टेज में ये होता है, क्या होता है, जीनर डायोड होता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। मैं सर्किट दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मगर मुझे सबसे पहले आपको समझाने हैं पैरामीटर्स। चलिए, जो सबसे पहला पैरामीटर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पैरामीटर्स काफी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला मीटर है वो है नी करंट, जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है नी करंट।
बताओ नी करंट क्या होगा, नी करंट क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आईजेड मिनिमम बोलेंगे। तो ये क्या होगा, इट इज द मिनिमम करंट विच इज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन जीनर, राइट। उसका मिनिमम करंट है वो वहां फ्लो होना ही चाहिए इन अ जीनर, राइट। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि जो करंट है थ्रू जीनर, जो हाँ जो करंट है इन अ जीनर, इट मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू आई जेड मिनिमम, ये तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका जीनर जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। और एक जो सेकंड पैरामीटर है जो बहुत काम का है वो है पावर रेटिंग, पावर रेटिंग, या अगर मैं बात करूंगा मैक्सिमम करंट थ्रू जीनर। अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक क्या होगा, एक होगा मैक्सिमम करंट थ्रू जीनर। तो व्हाट डू यू थिंक, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर पाएगा थ्रू जीनर, आई जेड मैक्स कितना फ्लो कर पाएगा, व्हाट डू यू थिंक, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो आई जेड मैक्स है ऑब्वियसली पावर रेटिंग के ऊपर। पावर रेटिंग क्या होता है, पावर रेटिंग क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर ड्रॉप वो सह पाएगा। पावर क्या होता है, जनरली होता है वो वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो अगर मैं यहां बात करूंगा पावर, तो मैं बोलता हूं यहां पे जो पावर होगा वो क्या होगा, पावर रेटिंग यानी कि मैक्सिमम पावर जहां तक वो सहन कर पाएगा, मैक्सिमम पावर जो वो सह पाएगा। तो ये कब आएगा, ये कब आएगा, जब आप बात करोगे वोल्टेज तो फिक्स रहेगा, वोल्टेज तो फिक्स रहेगा, और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा ना तब आपका मैक्सिमम पावर ड्रॉप होगा। तो आई में से जो पावर रेटिंग होगा वो क्या होना चाहिए, जो पावर रेटिंग होगा वो क्या होना चाहिए, जो मैक्सिमम पावर है उससे ज्यादा या कम। एग्जैक्टली जो पावर रेटिंग होगा, पावर रेटिंग क्या होता है कि उतना पावर वो सहन करना चाहिए। तो पावर रेटिंग क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू जो मैक्सिमम पावर ड्रॉप हो रहा है उतना। बोले हाँ कि ना, पावर रेटिंग क्या होगा कि जितना मैक्सिमम पावर ड्रॉप हो रहा है, अगर पावर रेटिंग कम है तो क्या होगा, फट जाएगा ना जीनर, हाँ उसका पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है ही नहीं उतना, तो वो फट जाएगा। तो पावर रेटिंग क्या है, उतना रेटिंग तक उतना करंट वो विथस्टैंड कर पाएगा, अगर उससे ज्यादा है तो वो जीनर फट जाएगा। क्लियर है? क्या इससे एग्जांपल्स चालू कर सकते हैं हम लोग, मेनली आपको एग्जांपल्स पूछेंगे। इसको यूज करते हैं एज अ रेगुलेटर, तो आपको एग्जांपल्स ही डायरेक्टली पूछते हैं। तो क्या एग्जांपल चालू करें इसके फटाफट से। हाँ वर्किंग के अंदर इतना मत घुसना, कुछ नहीं काम का है आपको वर्किंग। तो चलिए करते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक जो क्वेश्चन है वो आई एम एस से नेटवर्क बेस्ड है, तो आई थिंक नेटवर्क का जो सिंपल केसीएल केवीएल है वो तो आपको आता ही होगा, और काफी सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। दिमाग लगा के यूज कर, दिमाग लगा के सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप अप्लाई कर रहे हो, है ना। चलिए ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार रीड कर लो फिर हम बात करते हैं, एक बार रीड कर लो। चलो ये स्टैंडर्ड सर्किट है फॉर दी वोल्टेज रेगुलेशन। ये जीनर होगा जहां पे 6 वोल्ट का उसका रेगुलेशन है, यानी कि यहाँ पे उसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट का है। ये आपका लोड रेजिस्टर है वो लगा है, दोनों पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस 6 वोल्ट आएगा। यहाँ पे आपका कंट्रोल रेजिस्टर है, जो जो करंट आएगा वो करंट को कंट्रोल करेगा। ये एक एग्जांपल को हम पूरा समझ लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या वेरिएशंस आ सकते हैं या क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। बताओ यहाँ पे क्या क्या चीज देकर रखा है आपको। चलिए चालू करते हैं। अ 6 वोल्ट जेनर डायोड शोन बिलो हैज अ 0 जीनर रेजिस्टेंस। ओके मैं एक चीज बताना भूल गया आपको कि अगर हम बात कर रहे हैं जीनर का, तो एनालॉग सर्किट के अंदर हम जीनर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एनालॉग सर्किट के अंदर जब हम जीनर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा अ रेजिस्टर इन अ सीरीज, अ रेजिस्टर इन अ सीरीज एंड अ बैटरी। मगर बैटरी कैसे होगा, मगर बैटरी कैसे होगा, व्हाट डू यू थिंक।
माइनस प्लस होगा या प्लस माइनस होगा? हाँ, ये जीनर है, इसको हम रिवर्स बायस में ही यूज करेंगे, इसको रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ही यूज करेंगे। तो इसका बैटरी कैसे कनेक्ट करेंगे? अभी यहाँ माइनस प्लस होगा या प्लस माइनस होगा बैटरी? अगर ये फॉरवर्ड बायस करेंगे, हाँ अगर ये फॉरवर्ड बायस करेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस होगा। मगर मैं बोल रहा हूँ कि हम करेंगे इसको रिवर्स बायस, तो हम क्या करेंगे? इसको रिप्लेस करेंगे विथ प्लस माइनस प्लस वाला बैटरी। बोलिए हाँ कि ना? ये क्या है आपका? ये जीनर का रेजिस्टेंस है और ये है उसका वोल्टेज ड्रॉप। बोलिए हाँ कि ना? हाँ, क्या ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ बेटा, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या समझ में आ रहा है? अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोल के रखा है? उन्होंने यहाँ पे ऐसा बोल के रखा है कि आपके पास यहाँ पे जो जीनर है उसका वो आइडियल है। वो आइडियल है, इसका मतलब क्या है कि कहाँ गया, लिखा है ना कहीं पे, 6 वोल्ट जेनर डायोड शोन बिलो है जीरो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस नहीं है, और जो नी करंट है वो 5 मिली एम्पियर है। इसका मतलब क्या होगा? जो नी करंट है वो 5 मिली एम्पियर है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो देखिए ये क्या होगा, ये आपका जीनर का करंट होगा और ये आपका लोड करंट होगा। इसको मैं आई एल करता हूं और ये आपका मैं आई जेड करता हूं। तो चलिए मुझे ये बताओ, सबसे पहले आई क्या हो जाएगा? ये तो पता ही होगा आपको, ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका आई जेड प्लस आई एल हो जाएगा। बोले हाँ कि ना? हाँ बेटा, अब मुझे ये बताओ कि आपको जीनर को ऑन करने के लिए मिनिमम कितना वोल्टेज चाहिए, सॉरी करंट चाहिए? जो आईजेड मिनिमम है वो कितना चाहिए? लिखा हुआ है कि वो चाहिए आपको 5 मिली एम्पियर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे मिनिमम कितना चाहिए बेटा? हमें इतना मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए उसको ऑन करने के लिए, इट हैज टू बी सप्लाइड फ्रॉम दी सोर्स। तो चलिए अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि यहाँ चाहिए हमें 5 मिली एम्पियर, यहाँ चाहिए हमें 5 मिली एम्पियर। नाउ द थिंग इज, नेक्स्ट थिंग इज, मुझे ये बताओ कि आर निकालना है, इट्स अ प्योर नेटवर्क, प्योर नेटवर्क। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे 6 वोल्ट कांस्टेंट है, बोलो हाँ कि ना? यहाँ पे ये 6 वोल्ट कांस्टेंट है अक्रॉस ये ब्रांच पूरा, तो यहाँ आई का वैल्यू निकाल पाओगे आप? यहाँ आई का वैल्यू कितना होगा बताइए? चलिए क्या आप यहाँ पे आई का वैल्यू निकाल पाओगे? यहाँ पे आई क्या हो जाएगा बताइए? चलिए आई क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? नहीं, आपको सीधा वैल्यू ही मिल जाएगा ना, मैं आई का वैल्यू पूछ रहा हूँ पृथ्वीराज, आई का वैल्यू। आई सिंपल है ना, यहां से यहां, यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा? ये पूरा जो ब्रांच है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है? 6 वोल्ट है। सो मैं बोलूंगा कि 10 माइनस 6, 4, 4/50 इतना आएगा, 4/50। सो व्हाट आई मीन, ये होगा 580 मिली एम्पियर। बोलिए क्या सबको ये समझ में आया है? ये 80 मिली एम्पियर आएगा। बोलिए हाँ कि ना? तो हमें ये मालूम पड़ गया कि आई जो है वो 80 मिली एम्पियर है, जो आई जेड मिनिमम चाहिए वो 5 है, तो क्या हम आई एल निकाल पाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो अगर यहां से निकाल रहे हैं तो हमारा आई एल क्या हो जाएगा? आपका आई एल हो जाएगा 75 मिली एम्पियर, राइट? अब मुझे बताओ कि आपको निकालना क्या था आर, यहां ड्रॉप कितना हो रहा है? 6। खत्म हो गई बात, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बराबर? हाँ, ये कैसे निकालोगे? ये तो बहुत सिंपल हो गया। हाँ बहुत सिंपल हो गया। हाँ समझ रहे हो क्या हुआ यहाँ पे? हाँ क्या समझ रहे हो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो 75 मिली एम्पियर है वो फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज जो है अक्रॉस लोड इट वुड बी इक्वल टू आई एल इंटू आर। तो अब मुझे यहाँ से आर मिल जाएगा, वो हो जाएगा 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का ड्रॉप एंड 75 मिली एम्पियर। तो इसकी वजह से ये हो जाएगा आपका आई एम एस 80 ओम, राइट? बोले हाँ कि ना?
ये हो जाएगा आपका 80 ओम्स। अब मुझे ये बताओ, अगर हम यहां आर का वैल्यू 80 ओम से कम लेंगे तो चलेगा, या 80 ओम से ज्यादा लिया तो चलेगा? सोच के बताना। इट इज अ नेटवर्क। 80 ओम से ज्यादा लिया तो चलेगा या कम लिया तो चलेगा? हाँ, क्यों ज्यादा लेंगे? ज्यादा लेंगे तो इट में हैपन, यहां से कम करंट फ्लो हो रहा है तो जो बाकी का ज्यादा करंट है वो जीनर में से फ्लो हो जाएगा। बोले हाँ कि ना? हाँ, अगर कम लिया तो यहां आपका जो लोड है वो लोड में से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और जो मिनिमम करंट ये जीनर में से फ्लो होना चाहिए जो 5 मिली एम्पियर, वो फ्लो नहीं करेगा, तो जीनर ऑन नहीं होगा। क्या ये सबको समझ में आया? ये चीज यहां इंपॉर्टेंट है समझना कि आपका जो जीनर है इट हैज टू बी ऑन, और वो ऑन कब होगा? अगर उसमें से आईजेड मिनिमम फ्लो हो रहा है तब जाके ही वो ऑन होगा। बोलिए हाँ कि ना? क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो? तो मैं वही बोल रहा हूं, डोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके पीछे का लॉजिक जो है, इसके पीछे का जो आई मीन से थ्योरी है, क्या ये समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ बेटा, क्या मैं आगे बढ़ू? हेलो, क्या किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ बेटा, हेलो। और इसलिए उसने पूछा है यहां मिनिमम वैल्यू ऑफ आर है ना? हाँ, ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग रिप्लाई कर दो फटाफट से। यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं ना, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो बताओ सब लोग, बताओ, आपने वो देखा है जय महाकाल, जानते हो जय महाकाल को? आपने देखा है वो जय महाकाल? कुछ नहीं, मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आप सबसे। हाँ बस ठोक दीजिए लाइक और शेयर, ठोक दीजिए जय महाकाल। अभी कभी मुझे 5,000 चाहिए, अभी कभी 5,000 चाहिए। चलो हाँ, दबा के ओके चलिए। हाँ, क्या ये सॉल्व कर पाओगे आप लोग? हाँ, मैं पूरा साल आपके लिए मेहनत करता हूँ, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। चलिए हाँ, ये बताइए, ये सॉल्व कीजिए। A zener diode in the circuit shown in the figure has a knee current, maximum allowed power. चलिए आप कर लीजिए एक बार, तब तक मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। जीनर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, ना तो उसका थियोरी आपको कोई पूछेगा, आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए बस। आपका समझ लो एनालॉग सर्किट हो रहा है, ये डिवाइस तो है ही नहीं, मगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वाले दोनों घुसा देते हैं एक साथ। ओके, अविश इज गेटिंग ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं बाकी सब लोग क्या लाते हैं। अच्छा, मैक्सिमम करंट से ही ऑप्शन सी आ रहा है।
गुड गुड गुड। हाँ बट द थिंग इज ओके ओके, जो कंसेप्ट हैं वो समझ रहे हो, इसके अंदर बाकी कुछ वैरी करके आप लोग इवन व्हाट आई एम सेइंग, ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर फोकस मत करो, जो बाकी कंसेप्ट है क्या वो सोच पा रहे हो इसके अंदर आप लोग अपने आप से, बिकॉज आगे डिफिकल्ट आएंगे क्वेश्चंस, डिफिकल्ट आएंगे, ये पुराने क्वेश्चंस है तो सिंपल सिंपल है, थोड़े बहुत डिफिकल्ट भी आएंगे। हाँ डेफिनेटली आई मीन से ये तो सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे बोला गया आपको कि मैक्सिमम अलाउड पावर डिसिपेशन इज 300 मिली वॉट, विच मीन्स इसका मतलब क्या होगा, और 6 वोल्ट का है, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर मैक्सिमम है, जो पावर मैक्सिमम है वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका VZ और आपका I मैक्सिमम, I में से IZ मैक्सिमम, तो यहाँ से ही आपको ये मिल जाएगा, तो आपका यहाँ से बोलो कितना आ रहा है IZ मैक्सिमम, IZ मैक्सिमम कितना आ रहा है सबका, पी मैक्स 300, 300/6, हाँ मिनिमम कैसे निकालेंगे मुझे ये बताओ, तो कितना आ रहा है 300/, ये ना 6/300, हाँ 6/300 होगा ना, या 300/6, 300/6 50 आ रहा है ना, ओके हाँ, तो IZ मैक्स हो जाएगा आपका 50 mA, राइट। मगर उसने क्या पूछा है, उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम लोड करंट दैट कैन बी अलाउड, ओके। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आई निकालना पड़ेगा, तो बताओ आई कितना आएगा, यहाँ पे आई कितना आ रहा है, यहाँ पे आई हो जाएगा आपका, आई मीन से 9 - 6, 3/50, हाँ तो कितना हो रहा है ये 60 mA, बहुत सही 60 mA हो रहा है। तो अगर यहाँ आई जेड मैक्सिमम है तो डेफिनेटली आपका आई एल मिनिमम होगा, तो आपका जो आई एल मिनिमम है वो कितना हो जाएगा, आपका आई एल मिनिमम हो जाएगा 60 और ये 50, ये हो जाएगा 10 mA, राइट। तो आपका ये तो आ गया 10 mA तो आ गया, तो अब मुझे बताओ अभिषेक लिंगे अब क्या करोगे, अब सिंपल तो है बेटा, जो मिनिमम करंट है वो कितना जाना चाहिए, मिनिमम करंट कितना जाना चाहिए जीनर में से, जीनर में से मिनिमम करंट कितना जाना चाहिए, 5 mA, कितना आ रहा है मैक्सिमम, कितना यानी सप्लाई कितना प्रोवाइड कर रहा है, आई में से 60 mA, हाँ उसमें से मिनिमम कितना जाना चाहिए 5 mA, तो मैक्सिमम कितना जाएगा लोड में से, मिनिमम 5 तो चाहिए ही, तो ये वर्किंग करना है, इसको ऑन करना है, तो यहां से 55 जाना चाहिए, मैक्सिमम 55 यहां जाएगा, 5 यहां जाएगा, और 60 तो ये प्रोवाइड कर रहा है, अभिषेक क्लियर है कि ये कहां से आया ऑप्शन सी, हाँ सबको क्लियर है, चलिए आई होप इट्स क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, मुझे थर्ड क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन है, तो वो करके ये खत्म है जीनर, अभी एक नया पंगा चालू हुआ है, प्रामाणिक कुछ करना पड़ेगा, मैं भी वन नोट से कंटाल गया आज, पूरा दिन इसमें ही गया मेरा, तो अब नया लेके आया उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ चलिए थर्ड, थिंक अबाउट इट, पुष्कर कहाँ है, पुष्कर दिखाई नहीं देता बहुत दिनों से, अभिषेक और तन्वी अगर है तो आप लोग, अभिषेक तो है, पुष्कर नहीं दिखाई दे रहा है बहुत दिनों से, वो शायद मैच ही दिख रहा होगा CSK। चलिए सोचिए इसके बारे में,
प्रामाणिक और जो यहाँ 21 वाले हैं, क्या हमें चालू करना है एनालॉग का ऐसा रिवीजन? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस रात को, क्या बोलते हो खूबी और बाकी सब लोग? 21 की बात कर रहा हूँ, हाँ 22 को तो हुआ ही नहीं एनालॉग। हाँ तो काफी अच्छा हो जाएगा हमारा एनालॉग सर्किट, करते हैं हर रोज, क्या बोलते हो? बोलता हूँ प्रिकल को भी, बोलता हूँ अगर वो लोग फ्री है तो उनको भी घुसा देते हैं। अच्छा मिड सेम है, कुछ डेट आया मिड सेम का एमएसयू? तो क्या है बर्थडे है तेरा? अच्छा रिवीजन करना पड़ेगा। कुछ सोचता हूँ। हाँ प्लेसमेंट है। कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ सर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करो, बाद में बात करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो। ए गुड गुड गुड। अच्छा अविश सोचो एक बार फिर से। थिंक अबाउट इट। गुड गुड हर्षल। यहाँ पे कोई कितना आपको समझा ले बट जब तक आप अपना दिमाग नहीं अप्लाई करोगे ना, बिलीव मी लाइक यहाँ पे गलत ऑप्शन भी होगा और सही वाला ऑप्शन भी होगा। तो यू नीड टू बी केयरफुल एंड यू नीड टू हैव योर ओन थॉट प्रोसेस कि सर्किट में क्या हो रहा है। सो थिंक अबाउट इट, मैं नहीं बोलूंगा, अपने आप से सोचो और मुझे बताओ कि क्या करना है यहाँ पे और कैसे करना है। निकिता बाकी सब लोग बोल रहे हैं इसलिए आप ये बोल रहे हो या आपने कुछ सोचा है? सर कैलकुलेशन से हुआ 18,18,18 आया अराउंड। गुड 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 गुड। बाकी सब लोग क्या सोच रहे हो? ये कुछ अलग चलता है क्या आपका प्रामाणिक जैमबोर्ड? वहां पे आप लोग सब मिलके सॉल्व करते हो फिर 21 ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पे? हाँ 18.80 आ रहा है ना। ओके ओके ओके। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ अभिषेक, यहाँ पे सब कुछ सोचो कि आपको यहाँ पे क्या क्या सिनारियो होगा और क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अच्छा चलिए अगर यहाँ सोचना चालू करते हैं तो मुझे ये बताओ, सबसे पहला चीज क्या बोलूँ मैं या आप सोच रहे हो अभी भी? आप सब लोग सोच रहे हो या मैं बोलूँ? हाँ ओके ओके।
यहाँ पे कौन कौन ऐसा है जिसको ये कंफ्यूजन है कि सर 30 वोल्ट लेके करे या 50 वोल्ट लेके करे, और सर जो भी कर रहे हैं दोनों ऑप्शन में है। उसी के लिए बोल रहा हूँ नेटवर्क चाहिए, स्मॉल थिंकिंग, स्मॉल थिंकिंग। यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक कि क्या लोगे वर्स्ट केस। हाँ 18.18 एक ही में है, बट व्हाट आई एम आस्किंग कि अगर आप 50 ले रहे हो तो क्या आपको कोई ऑप्शन मिल रहा है? मुझे नहीं पता है, बट इट मे हैपन कि गेट वो ऑप्शन सेट कर सकता है। ओके एक और आ रहा है, वो है 36.36। ओके नी करंट से ज्यादा जेनर कर सकता है अगर 50 लेते हैं तो। ओके ओके हाँ चलिए पृथ्वीराज, क्या आप समझाना चाहोगे कि यहाँ पे क्यों आपने 30 लिया 50 नहीं लिया? सर, ज्यादा वोल्टेज लेंगे तो करंट ज्यादा मिलेगा, तो सेट पर वैल्यू मिलेगी जब वो सेम रेजिस्टेंस की तेरे में वैल्यू। झपट झपट हम आ रहे हैं, तेरे में तो पहले के जैसा ही प्रॉब्लम हो रहा है। रुक रुक, और किसी का भी आंसर? हाँ हर्षिल का, हर्षिल तो बता पाएगा। तूने क्या सोचा हर्षिल? उसका माइक का इश्यू लग रहा है। अच्छा, और निकिता आप बता पाओगे? उसके बाद आप ही थे। सर मैंने भी सेम सोचा, 1800 ही आ रहा था मेरा, दूसरा वाला नहीं आ रहा था, इसलिए वो एक ही में था। ओके तो यहाँ 50 लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हुआ होगा अगर 50 वोल्ट ले लिया तो? वो समथिंग 3000 समथिंग आ रहा था, मैंने पूरा नहीं देखा लेकिन वो ओके किसी के साथ ओके मैच नहीं कर रहा था। ओके तो अगर यहाँ मैं सर्किट के ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, सो द थिंग इज, मुझे ये बताओ अगर करंट फ्लो हो रहा है, राइट? अगर करंट फ्लो हो रहा है, मुझे जीनर तो ऑन करना है, मुझे जिनर को ऑन तो करना ही है। अगर जिनर को ऑन करना है तो मुझे मिनिमम जो 10 मिली एम्पियर है वो तो फ्लो करवाना ही पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना, ये जो 10 मिली एम्पियर है वो तो मुझे फ्लो करवाना ही पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने लिया, मुझे कंफ्यूजन, ओके हाँ कितना फ्लो करवाना पड़ेगा? हाँ 1 मिली एम्पियर, लाइक मुझे 1 मिली एम्पियर तो फ्लो करवाना ही पड़ेगा। एंड द थिंग इज, उसने ये बोला है कि लोड करंट जो है वो फिक्स है, यानी कि जो लोड करंट है वो लोड करंट वेरिएबल नहीं है। ये तो भैया 10 मिली एम्पियर ही है, ये वेरिएबल नहीं है, तो ये चेंज नहीं हो सकता है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज आया, यहाँ इनपुट वोल्टेज पे कुछ भी चेंज आया, सो डेफिनेटली उसकी वजह से करंट में चेंज आएगा। जो करंट में चेंज आएगा उसकी वजह से आपका जो लोड करंट है वो तो चेंज नहीं होने वाला है। हाँ नी करंट तो फिक्स है, मगर नी करंट क्या होता है अभिषेक? वो होता है मिनिमम करंट विच इज रिक्वायर्ड टू मेक हमारा जीनर ऑन। अगर उससे ज्यादा होगा तो चलेगा? हाँ चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका पावर रेटिंग हमें देके नहीं रखा है। बोलिए हाँ कि ना, अगर पावर रेटिंग नहीं देके रखा है तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना है कि यहाँ पे मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा। वो ले सकते हैं कि कितना भी फ्लो करेगा ये विस्तृत कर पाएगा, राइट? तो अब मुझे बताओ ये करंट फिक्स है, 10 मिली एम्पियर फिक्स है, यहाँ पे इसको ऑन करने के लिए हमें चाहिए 1 मिली एम्पियर। तो रिक्वायरमेंट ये निकल के आता है कि भैया 11 मिली एम्पियर तो हमें चाहिए ही चाहिए। बोलिए हाँ कि ना, किसी भी हालत में हमें 11 मिली एम्पियर तो चाहिए ही चाहिए। बोलिए हाँ कि ना, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ करंट का रिक्वायरमेंट है आई, ये आई क्या होना चाहिए? आई हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू आपका 11 मिली एम्पियर, राइट? अब क्वेश्चन ये यह है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे, अगर ये तो क्या है मिनिमम, यानी कि ये हम क्या ले सकते हैं, ये हम क्या ले सकते हैं कि ये हमारा ये मिनिमम करंट चाहिए, राइट? आई मिनिमम ये होना चाहिए आपका इक्वल टू 11 मिली एम्पियर। बोलिए हाँ कि ना, आपका जो आई मिनिमम है वो मिनिमम 11 मिली एम्पियर तो होना ही चाहिए। अब मुझे ये बताओ, क्या बताओ कि अगर हमें बात कर रहे हैं ये करंट के बारे में, तो ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका इनपुट वोल्टेज, ये होगा इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आर। बोले हाँ कि ना,
ये होगा आपका इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आर, रेजिस्टर होगा। अब मुझे बताओ आपको जो 11 मिली एम्पियर है, आप एक बार आर तो फिक्स कर दोगे, एक बार आप आर तो फिक्स ही कर दोगे, अदरवाइज यहाँ पे अगर मैच यूज कर रहे हो तो और सिंपल हो जाएगा। क्या सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे जो आई आई चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो आई है इट हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू 11 मिली एम्पियर। तो यहां से फिर सीधा केसीएल अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, आई मीन सप्लाई वोल्टेज वी इन माइनस ये 10 वोल्ट, माइनस ये 10 वोल्ट डिवाइड बाय आर, इट हैज टू बी मोर देन 11 मिली एम्पियर। बोलिए हाँ कि ना, इट हैज टू बी मोर देन 11 मिली एम्पियर। बट नाउ द थिंग इज ये कब अचीव होना चाहिए, फॉर मिनिमम वोल्टेज। अगर मिनिमम डिफरेंस से ये अचीव हो रहा है तो अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट वो तो आने ही वाला है। बोलिए हाँ कि ना। तो यहाँ पे जो 30 वोल्ट अप्लाई किया है इसका रीजन ये है कि अगर 30 वोल्ट की वजह से हमें यहाँ पे आई मिल रहा है विच इज मोर देन और इक्वल टू 11 मिली एम्पियर, तो बेटा 50 वोल्ट पे तो वो मिलने ही वाला है, वो तो गारंटीड है। बोलिए हाँ कि ना। हेलो, हाँ समझ रहे हो, अगर 30 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट यानी 20 वोल्ट का अगर डिफरेंस है तो ये जो करंट हमें मिल रहा है आई, इफ इट इज मोर देन 11 मिली एम्पियर, तो अगर यहाँ पे अगर 50 वोल्ट लोगे तो भैया वहां तो 50 माइनस 10 40 का डिफरेंस होगा, तो वहां जो करंट आएगा वो तो आपका उससे ज्यादा ही होगा फॉर द फिक्स वैल्यू ऑफ आर। बोलिए हाँ कि ना। तो फिर बी में भी फंक्शन करेगा ना, यानी तो फिर बी में भी फंक्शन करेगा ना, यानी ये बी ऑप्शन बी के अंदर, ऑप्शन बी के अंदर फंक्शन करेगा। हाँ करेगा, मगर अभिषेक ये अपर लिमिट कब आएगा बेटा, ये अपर लिमिट कब आएगा, ये अपर लिमिट कब आएगा, जब वहां पे उन्होंने कुछ मे बी पावर डिसिपेशन का कुछ मेंशन किया होता। हाँ मगर वो कुछ मेंशन किया ही नहीं उन लोगों ने, तो यहाँ अपर लिमिट के लिए तो कोई बात ही नहीं करेंगे। हाँ उन्होंने अपर लिमिट का कुछ बोला नहीं है। हाँ क्योंकि अगर यहाँ पे अगर बहुत करंट फ्लो हो रहा है तो हाँ जिन्हें को वो तोड़ डालेगा। हाँ मगर दिया नहीं है तो फिर हमें ऑप्शन ए के लिए ही जाना पड़ेगा। क्लियर है अभिषेक एंड ईशा? हाँ बढ़े आगे, क्या ये सोच पा रहे हो? हाँ सब लोग, सोचना इज इम्पॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस के अंदर। हाँ सोच पा रहे हो ना सब लोग? चलिए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन फटाफट से, राइट। चलिए अभी थोड़ा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा तो आराम से सोच के बताना, ये सभी कंस्ट्रेंट सोच के रखना। देयर इज नो स्टैंडर्ड मेथड इन सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे नेटवर्क आपको दिमाग से लगाना है और आपको पूरा आंसर करना है। चलिए थिंक अबाउट इट कि यहाँ पे आप क्या सोचोगे, थिंक अबाउट इट, पूरा टाइम लेके सोचिए, है ना। अभी इसके अंदर तो दोनों ही ऑप्शन होंगे तो आप सोच के बताना, प्रामाणिक सोचो एक बार, आराम से सोचो और बताओ।
अविश देवेंद्र ओके सोचो 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 सब लोग सोचो दिमाग लगा के ध्यान लगा के लो पूरा टीम बट गया डी और बी डी और बी दो लोग बी और डी बोल रहे हैं तीन लोग बी बोल रहे हैं सोचो 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 आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन देर इज नो एनी स्पेसिफिक मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इसके लिए जस्ट आपको ही सोचना है कि कौन सा सिनारियो यहाँ पे बैठेगा और ये वर्क करेगा सीनर सो थिंक अबाउट इट प्रॉपरली ओके ईशा बी बोल रही है ओके चलिए सोचिए और यहाँ पे आप लोग फंसे इसलिए हो क्योंकि दोनों आंसर्स हैं 17 ओम है और 14 ओम भी है तो इसलिए फंसे हो आप लोग सोचो सोचो नहीं सर वो एलिमिनेट करने के लिए कुछ नहीं है कंडीशन यानी बीबी पॉसिबल है डीबी पॉसिबल है ऐसा क्या सोच रहे हो हाँ बताओ तो क्या सोच रहे हो कुछ बोला नहीं है MSQ हाँ दोनों हो सकता है ना रे भाई ना दोनों में काम करना चाहिए ओके कुछ बोला नहीं है प्रामाणिक क्या सोचा हाँ प्रामाणिक क्या सोचा हेलो हाँ बताओ हेलो सर हाँ बताओ बताओ सर अगर वो 5 मिली एम मतलब 500 मिली एम्पियर अगर ये लोड सिंक कर रहा है तो उतना तो मतलब उससे तो थोड़ा ज्यादा ही चाहिए तब भी जेनर काम कर पाएगा। 100 में ऐसा बोल नहीं सकते कि मतलब ये जेनर के अंदर जो चाहिए वो करंट जाएगा, इसलिए हमने लिया कि 500 मिली एम्पियर में भी उतना करंट तो आर्मी से जा रहा है कि जेनर डायोड भी चल सके, इसलिए हमने लिमिट में 500 लिया। समझ में आया प्रामाणिक क्या बोला वो समझ में आया गुजराती में करूँ गुजराती ना नागपुर है हाँ निकरण जीरो है बिल्कुल बिल्कुल निकरण जीरो है बट अभिषेक इवन इन दैट केस मुझे ये बताओ अभिषेक कि अगर यहां से यानी कि जो हमारा लोड है राइट सपोज लोड है
लोड में से हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि 100 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है, बराबर, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो अब मुझे ये बताओ अभिषेक, ये हम आर तो फिक्स कर देंगे, हम यहाँ पे आर तो हम फिक्स ही कर देंगे, अगर हमने आर फिक्स कर दिया तो उसकी वजह से यहाँ कुछ तो करंट फ्लो करेगा, कुछ एक फाइनाइट करंट फ्लो करेगा यहाँ पे। अभी आर क्या है वो हमने डिसाइड नहीं किया है, जो भी हो वो हमारा 70 हो 14 हो कुछ भी हो डिसाइड नहीं किया है, कुछ भी एक आर होगा उसकी वजह से यहाँ पे कुछ एक फाइनाइट करंट फ्लो करेगा। अब ये जो करंट है उससे क्या होगा कि तेरा ये 100 मिली एम्पियर और बाकी का जो है वो यहाँ जाएगा इन जेनर, राइट। बट अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी मैक्सिमम करंट आएगा वो मेजरली जा रहा है इन जीनर और आई में से इन 100 मिली एम्पियर। मैं क्या कन्वे करना चाहता हूं कि अगर यहां से करंट जो है तेरा 100 मिली एम्पियर में से सपोज 500 मिली एम्पियर हो गया, सपोज 500 मिली एम्पियर हो गया, तब भी क्या होगा कि ये जो सप्लाई है वो सप्लाई को ये 500 मिली एम्पियर प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, सप्लाई को ही वो 500 मिली एम्पियर प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो इन दैट केस अगर यहाँ पे 500 मिली एम्पियर ये फ्लो करवा रहा है, अगर ये पंपिंग कर रहा है, सो जो एक्स्ट्रा करंट आएगा यानी कि जब लोड बढ़ जाएगा, जब लोड बढ़ जाएगा और उसमें जब 100 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो जो बाकी का एक्स्ट्रा करंट है इट वुड फ्लो थ्रू दिस जीना। आप समझ रहा है अभिषेक, अगर हम 500 के लिए काम करवा रहे हैं, अगर वो 500 के लिए ऑन हो रहा है, हाँ आई नो उसका नी करंट जीरो है, अगर वो 500 के लिए एक बार टर्न ऑन हो रहा है तो इट इज गारंटीड कि अगर 100 भी हो गया तो जो एक्स्ट्रा करंट है वो यहीं से जाएगा इन जीनर। बट शायद अगर आप वर्क करवा रहे हो एट 100 मिली एम्पियर, आपने इसको फिक्स कर दिया फॉर 100 मिली एम्पियर, लोड वेरिएबल है, हाँ वेरिएबल है, लोड वेरिएबल है, हाँ लोड वेरिएबल है, सो हेलो सर, हाँ हाँ सर, तो फिर वेरिएबल लोड है तो दोनों केस में जीनर को तो जीरो करंट ही। हाँ 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 ना, ओके हाँ रुको, हाँ मैं समझ गया, हाँ, रुको रुको रुको, क्या करते हैं यहाँ पे, रुको एक मिनट, कि आरएल सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आरएल सीरीज में है तो 70 वाला यूज किया करंट 100 मिली एम के नीचे चला जाएगा। ओके ओके चलो यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो तो फिक्स है 5 वोल्ट है, राइट हाँ मालूम पड़ जाएगा ना प्रामाणिक, मालूम पड़ जाएगा यहाँ 5 वोल्ट का ड्रॉप है, हम अज्यूम करते हैं कि सपोज वहां पे 100 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो चलिए बताओ उस केस में आपका लोड क्या होगा, उस केस में आपका लोड कितना होगा, उस केस में आपका आरएल मैक्स होगा, उस केस में आपका आरएल मैक्स होगा, बताइए कितना होगा आरएल मैक्स, राइट आपका आरएल मैक्स हो जाएगा वो आप बोल रहे हो 50 ओम हो जाएगा, और जब बोल रहे हो कि सपोज 500 मिली एम्पियर है, 500 मिली एम्पियर है तो बताइए इन दैट केस आपका आरएल मिन कितना हो रहा है, इन दैट केस आपका आरएल मिन कितना हो रहा है, ओके वो हो रहा है 2.5 ओम्स। ओके सो नाउ द थिंग इज कि 5 वोल्ट यहां पे फिक्स है तो अगर 100 मिली एम्पियर यहां से जा रहा है सो इन दैट केस
सर आरएल मीन टेंस है, कैलकुलेशन मिस्टेक है तुम्हारी। तो अगर ये करते हैं कि सपोज ये 10 है, हाँ, तो अब क्या होगा? अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हम क्या कुछ निकाल पाएंगे? इससे तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकलेगा। अगर 100 मिली एम्पियर यहाँ से जा रहा है तो ओके, लाइक ये चेक करो कि अगर 70 ओम है तो कितना करंट ये पंप इन कर रहा है। अगर 70 ओम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो तो ये कितना करंट फ्लो कितना करंट दे रहा है, आई आई कितना आ रहा है? तो वो हो जाएगा 12 माइनस 5, तो आई मीन से 7 डिवाइड बाई 70, सो आई थिंक इट इज 100 मिली एम्पियर। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड कर पाएगा 100 मिली एम्पियर। हाँ, तो ये 500 कर ही नहीं पाएगा। अगर 70 कनेक्ट कर दिया, अभिषेक लेंगे और बाकी सब लोग, अगर आपने 70 कनेक्ट कर भी दिया तो ये तो मैक्सिमम ही 100 कर पा रहा है और ये 500 पहुंच ही नहीं पाएगा। और अगर आप 14 ले रहे हो तो क्या होगा? अगर आपने 14 ले लिया तो आप बताओ अगर आई आई कितना हो जाएगा। इन दैट केस इट वुड बी आई मीन अगेन 7 डिवाइड बाई 14। अब बताओ कितना हो रहा है मैक्सिमम? हाँ, 500 हो रहा है, राइट? तो अभिषेक लेंगे, ये क्यों करना पड़ेगा? अगर तुमने 70 कनेक्ट कर दिया है तो खत्म हो गया केस। तेरे लोड में से 100 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट फ्लो हो पाएगा अगर ये आइडियल लेते हैं तो भी, तो वहां पे 500 मिली एम्पियर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, मगर अगर हम कनेक्ट करते हैं 14 ओम वाला तो मैक्सिमम होता है 500 मिली एम्पियर, तो उसमें हम बोल पाएंगे कि पूरा करंट यहां से फ्लो हो रहा है, राइट? मगर अगर 500 से कम हो रहा है तो बाकी का करंट जो है वो जीनर में से जा रहा है। अभिषेक, क्या अब ये क्लियर हुआ कि क्यों ऐसा किया डिजाइन के अंदर? हाँ, अभिषेक लेंगे। हाँ, क्या अब ये क्लियर है कि क्यों ऐसा किया है? है ना? क्योंकि अगर हम करते हैं ना इसको, अगर हम यहाँ 70 लगा देंगे तो फिर नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं कि वो 500 के ऊपर का 100 के ऊपर का करंट फ्लो करवाए, वो आएगा ही नहीं केस, वो 100 के 100 मैक्सिमम हो जाएगा, है ना अभिषेक? ओके, सब लोग ऐसे सोच पाओगे? मेरा मेन कंसर्न ये है कि क्या सब लोग ऐसे सोच पाओगे। आई नो यू नीड प्रैक्टिस, मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, मगर हाँ, ये सब सोच पाओगे ऐसे? ओके ओके, चलिए, यहाँ प्योर नेटवर्क्स है बेटा, यहाँ पे डिवाइस तो मैं नहीं बोल सकता कि ये डिवाइस है या तो फिर ये नेटवर्क्स है, ये पूरा का पूरा आई मीन से नेटवर्क्स ही है। यहाँ ना डिवाइस के कंसेप्ट्स है ना कुछ भी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए, थिंक अबाउट इट। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ईशा, सोच के बताओ, नहीं भावनाओं में मत बह जाओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट प्रॉपरली। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं।
नहीं पृथ्वीराज, उन्होंने कनेक्ट नहीं किया है, मगर लोड ऐसे है, इट इज समथिंग लाइक दैट, लोड है, इट इज नॉट ओपन सर्किटेड, उसके ऐसे मत लो, यहाँ पे ऐसे कुछ लोड है, ओके कुछ तो लोड है यहाँ पे, अभी ए बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ओके ए डी ए डी ए ओके डी ओके ए ओके ओहो सबसे अलग प्रामाणिक सी लेके आ गया प्रामाणिक, बाप रे अपने सब लोग रीथिंक करो। हाँ 20 वोल्ट से सी आ रहा है अभिषेक लिंगे दोनों आंसर्स है, अब क्या करोगे, फंसे, मैं वही तो बोल रहा हूं, थिंक फॉर 5 मिनट्स या अभी भी 1-2 मिनट के लिए सोचो एंड देन आंसर। वो तो प्रामाणिक देखते हैं मैं किसको बोलता हूं अनम्यूट करने के लिए। थिंक अबाउट इट, कैसा क्यों हो रहा है, बताओ प्रामाणिक क्या सोचा। हेलो सर, सर अगर 20 में उसमें कैसे समझाओ, गुरु से सर आना समझाओ अगर ट्राई करूं, फॉर एग्जांपल अगर 20 मार्च जो अगर 13.7 छे लोड, हिंदी 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 हाँ रेजिस्टेंस 0 है गेट, सर थोड़ा सोचने का टाइम दो कि कैसे समझाओ। ओके सोच सोच सोच, बाकी सब लोग सोचो, स्टिल यू हैव टाइम। हाँ अभिषेक बताओ। हेलो सर, हाँ अभिषेक बताओ। हाँ सर, वो मैक्सिमम लोड करंट के लिए मतलब वी आई मैक्सिमम लेंगे ना कि नहीं लेंगे, मगर सर्किट का ऑपरेशन सही होना चाहिए फ्रॉम 20 to 30 volt का रेंज, ये बोला है कंडीशन है। सर अगर लोड का रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया होता तो फिर कुछ कर सकते थे ना, पर इसमें तो 0.5 कभी भी फ्लो करेगा, और लोड लोड वेरिएबल भी नहीं है, वो फिक्स है, लाइक लोड बोल दिया है तो वो लोड फिक्स है, दैट इज व्हाट वी नीड टू कंसीडर, लोड का वैल्यू नहीं है मगर वो फिक्स है कुछ लोड।
तो सर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ मतलब मैक्सिमम लोड करंट चाहिए तो वी आई भी मैक्सिमम ही लेंगे ना कि कम वाला लेंगे। हाँ, हाँ, उसके लिए तो होगा, मगर अभिषेक तू ये केस के लिए सोच, ये केस के लिए मुझे पूरा सर्किट का वर्किंग भी करना है फ्रॉम 20 to 30 volts, ये प्रॉपर कंडीशन के लिए हाउ वुड आई डिजाइन दिस सर्किट। थिंक अबाउट इट, पृथ्वीराज कुछ तो बोला है। ओके, लाइक मुझे ये बताओ पृथ्वीराज, मगर आप में हम बहुत आते हैं, धू धू धू, लाइक डोंट नो, लाइक क्या कब से प्रॉब्लम है यार, मौत से प्रॉब्लम है तेरे माइक में। ओके, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ कि क्या बोला है हम लोगों ने, ज़ीनर डायोड इन द रेगुलेटर सर्किट शोन इन द फिगर हैज द ज़ीनर वोल्टेज ऑफ 5.8 वोल्ट एंड द नी करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पियर, तो आप लोगों ने जो मैं सोचता हूँ वैसा जनरली वही किया होगा कि आपने यहाँ पे मिनिमम करंट फ्लो करवाया होगा, बोले हाँ कि ना, आपने वही करवाया ना, आपने सीनर से मिनिमम करंट फ्लो करवा दिया, वो है आपका 0.5 मिली एम्पियर, जितना उसको चाहिए उतना ही आपने फ्लो करवा दिया, क्या आप सबने ये किया है बेटा? हाँ वही करना था, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको ये फाइंड करना है कि मैक्सिमम करंट मस्ट फ्लो थ्रू, आपने ये कर लिया मिनिमम, और वो आपने ले लिया है कितना, 0.5 मिली एम्पियर बोल दिया आपने, बराबर 0.5 मिली एम्पियर मिनिमम, तब आप बोल रहे हो कि हाँ सर यहां से हमारा लोड मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, अब ये केस के अंदर अभी मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, राइट, आपने ले लिया है बराबर ना, आपने ये 0.5 मिली एम्पियर ले लिया है, ले लिया है ना, पक्का ले लिया है, तो अगर ये ले लिया है 0.5 मिली एम्पियर, आपने कंसीडर कर लिया है कि भैया ये 0.5 मिली एम्पियर है वो मिनिमम है, और अगर यहां पे लोगे कि ये मिनिमम आ रहा है फॉर 30 वोल्ट, कई भैंस पानी में, यहां पे आप बोल रहे हो कि 0.5 मिली एम्पियर वो मिनिमम है, और वो अगर आप लोगे एट 30 वोल्ट, कई भैंस पानी में, क्योंकि तब तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये वर्क करेगा फॉर दी वोल्टेज 30 एंड मोर देन 30, बोलिए हाँ कि ना, अगर समझ रहे हो तो ठोको ताली, समझ रहे हो, आप यहां पे ऐसा बोल रहे हो कि आपने 0.5 मिली एम्पियर मिनिमम लिया, और वहां पे आप यहां मैक्सिमम की बात करोगे, करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, और यहां पे ले रहे हो मैक्सिमम वोल्टेज, यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि 30 से ज्यादा होगा तब जाके जो बाकी का करंट है वो मे बी फिर यहां वहां फिर कर सकते हैं, समझ रहे हो, तो आपको क्या करना है कि अगर उसने बोला है कि रेंज जो है वो 20 से 30 के बीच में ही है, तो ये जो कंडीशन है आपका 0.5 मिली एम्पियर वाला, आपका लोड तो फिक्स हो गया है, जो लोड में से करंट जाएगा वो फिक्स कर दिया है आपने, उसका रेजिस्टेंस फिक्स है, उसका ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप सब कुछ फिक्स है, मगर आपका क्राइटेरिया ये है कि भैया 0.5 मिली एम्पियर मिनिमम करंट के लिए एटलीस्ट आपका ज़ीनर ऑन होना चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे ये सर्किट मैं यहाँ पे बना रहा हूं, मैंने सर्किट यहाँ पे बनाया है, ये यहाँ पे एक रेजिस्टर है, सॉरी यहाँ पे एक बैटरी है, एंड बैटरी इज समथिंग लाइक दिस, बैटरी इज समथिंग लाइक दिस, ये बैटरी है, उसका रेजिस्टेंस नहीं है, और ये एक वोल्टेज रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर फिक्स हो गया, ये आरएल फिक्स हो गया, ये वोल्टेज भी फिक्स हो गया, तो अब मुझे बताओ कि इसके अक्रॉस का ड्रॉप जो है वो फिक्स हो जाएगा, यहां से जो करंट जाएगा वो भी फिक्स हो जाएगा, बोलिए हाँ कि ना, तो यही तो ये केस है, पूरा का पूरा ये केस है,
कि जो आपका लोड है, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज फिक्स हो गया, यहाँ का करंट फिक्स हो गया, बट नाउ द थिंग इज आपको वर्किंग करवाना है, तो यहाँ करंट जो है वो मिनिमम आपका कितना फ्लो होना चाहिए, 0.5 मिली एम्पियर फॉर दी मिनिमम अप्लाइड वोल्टेज. क्यों? क्योंकि अगर मिनिमम अप्लाइड वोल्टेज के लिए अगर यहां से 0.5 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है तभी आपका सर्किट काम करेगा और यहां से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा. और आपने ये फिक्स कर लिया है कि हाँ यहां इतना ही करंट फ्लो करेगा. अब जैसे ही यहां पे वोल्टेज बढ़ेगा, 20 से ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, यहां पे जो भी करंट बढ़ेगा वो जाएगा कहां से, वो जीनर में से ही जाएगा, क्योंकि आपने ये पूरा सर्किट जो है वो फिक्स कर दिया है. बोलिए हाँ कि ना, क्या ये समझ रहे हो कि क्यों अभी आपका आंसर सी है? यहाँ पे क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग पूछता है, मैं वही बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम जीनर वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं. समझ रहे हो? हाँ अभिषेक बताओ. हाँ बताओ बताओ. हेलो सर. हाँ 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 सर. तो फिर अगर मतलब नी करंट मिनिमम करंट है तो हर बार चेक करने के लिए इनपुट वोल्टेज भी मिनिमम ही लेना पड़ेगा क्या हर बार? यानी मैं समझा नहीं अभिषेक, क्या क्वेश्चन क्या है? हर बार मिनिमम यानी सर मतलब जनरली मतलब चेक करना है कि जीनर डायोड चलेगा कि नहीं और इनपुट वोल्टेज वेरिएबल दिया है तो मिनिमम के साथ ही चेक करेंगे पहले. अभिषेक क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा. अगर यहाँ पे कुछ देख रहे हैं तो सर्किट टू देख यहाँ पे कोई एग्जांपल था राइट. अब ये एग्जांपल में क्या है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ और मुझे बता यहाँ पे क्या बोला है उसने. IL इज 10 मिली एम्पियर, यहाँ भी लोड करंट फिक्स कर दिया उन लोगों ने. अब क्या पूछा है आगे, इनपुट जो है वो वेरी हो रहा है फ्रॉम 30 to 50. जो सीनर है वो है तेरा 10 वोल्ट का और 1 मिली एम्पियर जा रहा है. नाउ द थिंग इज कि मुझे क्या चाहिए, कि मुझे चाहिए ये फिक्स हो गया है 10 मिली एम्पियर और यहाँ मिनिमम चाहिए मुझे 1 मिली एम्पियर, इसलिए मुझे यहाँ पे 11 चाहिए. और 11 कब चाहिए रहेगा, फॉर द मिनिमम केस ओवर है. सो अल्टीमेटली थिंक अबाउट द सर्किट, यहाँ सर्किट के लिए ये जो कंडीशन है वो मैं कब अचीव कर पाऊंगा. अगर इसमें अचीव हो गया, अगर लोअर के लिए अचीव हो गया तो ऑब्वियसली फॉर हायर वोल्टेज जो है वो अचीव होने ही वाला है ये कंडीशन. बट अगर मैं ये एग्जांपल की बात कर रहा हूं, देख यहां पे पूरा अलग सिनेरियो था, यहां पे सिनेरियो पूरा अलग था. लाइक यहां हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर हम 500 मिली एम्पियर ले रहे हैं तो जो कैलकुलेशन हो रही है उससे क्या मिल रहा है कि अगर 500 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है तो उसका जो कम है ना वो भी पॉसिबल है यहां से फ्लो कर पाएगा, क्योंकि अब जो सोर्स साइड है वो फिक्स हो गया है. तो अभिषेक व्हाट आई एम टेलिंग के हाँ एग्जांपल के अंदर जो भी आपका वर्किंग जो उन्होंने बोला है, जो कंडीशंस उन्होंने लिया है उसके हिसाब से आपको सर्किट डिजाइन करना है. एंड डेफिनेटली इसके लिए क्या लगेगा, टाइम लगेगा और प्रैक्टिस लगेगा कि हाँ आप अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उससे आप लोग समझ पा रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है. बट अगर मैं ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो यहां आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या क्यों ऐसा ले रहा हूं. हाँ बेटा आई रियली डोंट वॉन्ट कि आप ये रट लो कि यहाँ पे 20 चाहिए या यहाँ पे मिनिमम चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम लेना पड़ेगा. आर यू एबल टू थिंक अबाउट इट? अगर यहाँ पे 30 ले रहे हो और अगर यहाँ पे आपने 0.5 ऑलरेडी लेके रखा है, यानी कि आप लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये 30 वोल्ट या उसके बाद वाले वोल्टेज के लिए कंडक्ट करेगा. समझ रहे हो बेटा? मगर उसने ये बोला है कि भैया आपको कंडक्ट करना है 20 और 30 के बीच में, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको 20 में इसको ऑन करना है और तब जाके यहाँ मिनिमम करंट आएगा जो आपका 0.5 मिली एम्पियर और बाकी का करंट जो है वो लोड में से जाएगा. क्लियर है? आई मीन से नेटवर्क काफी अच्छा होना चाहिए आपका. वो धीरे धीरे हो जाएगा, मैं आपको इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा. तो क्या इसको बंद करें या आगे बढ़े? तीन एग्जांपल्स हैं बट इट्स ऑलमोस्ट 10:40. सो तीन एग्जांपल्स ऐसा हो तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर सकता हूँ. मुझे बताओ तो आपको समझ में आया बेटा ये जो मैं कर किया वो? हेलो सर. हाँ बताइए सर. फॉर एग्जांपल अगर 30 वोल्ट्स है तो उसपे हम लोग अगर आईमैक्स फाइंड करते हैं तो मतलब उसका मीनिंग ये होता कि
30 से अगर लेस होता तो चांसेस थे कि जीनर डायोड ऑन ही ना हो बिकॉज ऑफ नी वोल्टेज ऑफ 0.5. हाँ, क्योंकि देखो आपने क्या अज्यूम किया, आपने ये अज्यूम किया, चलिए अगर यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपका लोड है. अब यहाँ पे पंगा है कि इसने ये है ना लोड बोला नहीं है कि ये वेरिएबल है या फिक्स है. हाँ, अगर बोला नहीं है तो भैया ये फिक्स लोड है, बराबर, यहाँ फिक्स लोड है. ओके. अब ये क्या पूछ रहा है कि आपने ऐसा अज्यूम किया कि सर हम यहाँ पे लेते हैं कि मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा, और यहाँ पे आप लोग फंस भी कहाँ गए कि यहाँ सर उसने मैक्सिमम बोला है तो यहाँ करंट भी, यहाँ वोल्टेज भी मैक्सिमम आएगा. बट आप लोग यहाँ पे क्या मिस कर रहे हो, आप लोग ये मिस कर रहे हो कि आप यहाँ पे जब मैक्सिमम अज्यूम करोगे तब डेफिनेटली आप यहाँ ये अज्यूम करने वाले हो कि यहाँ मिनिमम करंट फ्लो होगा जो होगा 0.5, राइट? यस. तो अब ये केस के लिए आप क्या ले रहे हो कि ये कंडीशन कब अचीव होगा 30 वोल्ट के लिए. आप ये अज्यूम कर रहे हो कि ये कंडीशन अचीव होगा फॉर 30 वोल्ट. हाँ. अब मुझे ये बताओ, अगर मैं 30 वोल्ट से कम कर दिया तो जो इसके अक्रॉस का ड्रॉप है क्या वो चेंज होगा? नहीं, ड्रॉप चेंज नहीं होगा. हाँ, वी मे कंसिडर कि हाँ सर ड्रॉप चेंज नहीं होगा, मगर मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होगा. हमने ऐसा अज्यूम किया कि हाँ चलो सपोज आपका जीनर है, वो जीनर का काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है ना वो उतना ही रह रहा है, तो करंट तो फिक्स रहेगा. अगर क्या यहाँ पे 0.5 मिली एम्पियर मिलेगा अभी इसको? हाँ, वो नहीं मिलेगा अगर लेस हो गया तो. यानी कि जेनर बंद हो गया तो यहाँ पे वोल्टेज फिक्स नहीं रहेगा, और अब इससे सर्किट ये बचा है. ओके. तो पूरा जो कहानी है ना वो गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हो आप पूरा? हाँ, यस. तो वो जीनर को ऑन होने के लिए जो कंडीशन, जो क्राइटेरिया देके रखा है ना, वो फुलफिल करना काफी रिक्वायर्ड था यहाँ पे. आई होप अभी क्लियर समझ में आया होगा सबको. और भी कुछ डाउट है? नहीं है ना? बढ़े आगे. निकिता, देवेंद्र, स्नेहा, बाकी जो नाम क्या क्या है, मैत्री, श्रद्धा, क्रिस्टल, क्लियर है क्या? मैं आगे बढ़ूं? हेलो. हाँ, ओके, क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, केस बाय केस ये एग्जांपल वैरी करेगा, केस बाय केस इसका थॉट प्रोसेस भी वैरी करेगा. आपको वो थॉट प्रोसेस डेवलप करना है और कुछ नहीं है. जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे वो थॉट प्रोसेस डेवलप होता ही जाएगा, राइट? चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक ये तो आप लोग कर लोगे. ये मेनली नेटवर्क के ऊपर है, तो चलिए. अरे रे, मेरे को टेंशन कल का हो रहा है. अगर कल सुबह ये नखरा किया इसने तो क्या, ये नखरा कर रहा है थोड़ा, तो प्रामाणिक कुछ देखना यार, मेरा वन नोट में क्या पंगा हो गया यार. अच्छा भला चल रहा था वन नोट मेरा. चलिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आई होप यू विल सॉल्व दिस. ये काफी सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. तो मैं वो वन नोट ट्राई करूंगा, वो चलता हो तो. मेरा वो काफी अच्छा वाला वन नोट था मेरा. रहा है अभी भी ये तो.
गुड गुड बट चलिए आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू सो आई विल वेट. गुड गुड सिंपल क्वेश्चन था. काफी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है. लाइक जनरली जो आपको प्रॉब्लम होगा ना वो इसमें होगा, लोड रेगुलेशन एंड लाइन रेगुलेशन. जो जनरली पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, जहां पे वो लोग भी फंसते हैं, जो पहले वाले एग्जांपल थे वहां पे वही था, लोड रेगुलेशन एंड लाइन रेगुलेशन. ये जो अलग अलग किया है ना उन लोगों ने, कभी लोड का करंट चेंज हो रहा है, कभी इनपुट वोल्टेज का रेंज आ रहा है, तो वो सब वही है, लोड रेगुलेशन एंड लाइन रेगुलेशन. वो ट्रिकल वाले पढ़ते हैं इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. मगर ठीक है, इतना कुछ काम का नहीं है. बट ओके, आई थिंक ये तो क्लियर है. ये सिंपल क्वेश्चन था, आपको आ भी गया होगा, है ना? इतना डिफिकल्ट नहीं है. हाँ, सबका बी हो रहा है क्या? देवेंद्र, स्नेहा, मैत्री और बाकी सब लोग, क्या हो रहा है क्या? ध्येय, भूषित, ओके ओके, आंसर आ रहे हैं ना? अभिषेक हो गया? अभिषेक का हाँ हो गया, ओके. खुबी और बाकी सब लोग, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके ओके, हाँ, यश, रुचि, पायल, गुड गुड. सो सेवन, थिंक अबाउट इट. पृथ्वीराज गेट इतना पागल नहीं है. क्वेश्चन में कुछ तो ट्विस्ट एंड टर्न होगा ही होगा. राज तो बकरा बन गया, पोपट हो गया, समझा पृथ्वीराज क्या हुआ? लाओ बच्चा पार्टी. काफी सिंपल क्वेश्चन है. जनरल एक्टिविटी नहीं होगा. आपका जीनर यहाँ एक्टिवेट ही नहीं होगा. क्यों एक्टिवेट नहीं होगा? अगर यहाँ पे वन के है तो यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉप होगा आपका कितना? यहाँ आपका मैक्सिमम ड्रॉप होगा 5 वोल्ट का. अगर 5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, इट इज नॉट सफिशियंट टू टर्न योर जीनर ऑन. उसके लिए 6 वोल्ट चाहिए. अब कैसे करोगे? यहाँ पे 6 वोल्ट और यहाँ पे 5 वोल्ट, दैट नॉट पॉसिबल. ये ऑफ ही रहेगा, ये ऑन होने ही नहीं वाला है जिनर आपका. समझ रहे हो? हाँ, जिनर ऑन नहीं होगा आपका. क्या सब लोग ये समझ रहे हो? वो एक्टिव नहीं होने वाला है यहाँ पे जिनर जो है वो. हेलो, समझ में आया सबको?
अगर ऐसा कुछ है कि हाँ सर पहले हमने ऐसा कुछ चेक नहीं किया, कुछ भी हमने पहला कुछ ऐसा चेक नहीं किया, तो चेक कर लो हर एक क्वेश्चन के अंदर। लाइक उन्होंने कुछ बोला भी नहीं था हर एक क्वेश्चन के अंदर, तो और लोड हम हर जगह निकाल रहे थे, है ना। हाँ लोड कहीं पे भी था ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे उन लोगों ने देख के रखा है, तो वी नीड टू कंसीडर कि भैया वो ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो ऑन हो ही नहीं रहा है, है ना। हाँ ओके, चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, और मैं आपको दे देता हूँ, लाइक ट्राई कीजिएगा, आई थिंक हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है वो क्वेश्चन। ये अभी का ही है गेट का। अरे पूजन मेरे पास वो नहीं है लाइसेंस वर्जन, और मेरा 1020 लाइक तू जो बोल रहा है वही है, 2016 ही है, और उसमें प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। क्रैक वर्जन ही है, करता हूँ चलो ना कुछ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप कर पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कल सुबह फिर उठना है आप सबको भी, और मेरे को भी उठना है, और मेरी शादी हो गई है तभी पंगा होना चालू हो जाएगा अभी। चलिए देख लो, चलिए। तो आई होप ये कर लोगे आप लोग, ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर कुछ रहा तो हम लोग डिस्कस करते हैं कल, है ना। कल फटाफट से ऐसा तो जल्दी मिल लेंगे, कल 8 या 8:30 या शाम को जल्दी मिल लेंगे, 6-6:30 बजे, तो ये लंबा ना चले, है ना। ओके चलिए, तो मिलते हैं कल, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। गुड नाइट, मिलते हैं सुबह कल, सिया, बाय बाय।